जिनकी सिंह राशि है, तो सिंह राशि का जो स्वामी है सूर्य है, और सबसे पहले संसार को जो एनर्जी देता है वो सूर्य ही देता है, और सूर्य के अंदर जो है पांच गुण विराजमान है, आभा, प्रभा, शोभा, तप और तेज। तो सूर्य की ये सारी एनर्जीज हैं जो हमारे जीवन को सुख देती हैं, आनंद देती हैं, और सोल क्रिएशन बाय द गॉड जो है सूर्य से ही हमारे अंदर शरीर में आत्मा आती है। जो भी हम पैदा हुए हैं, संसार में आए हैं, वो सूर्य की रेस से ही आते हैं, और सूर्य सब कुछ देने वाला ग्रह है। अगर सूर्य की रोशनी में अगर आप बैठ जाओगे तो कितनी भी बड़ी बीमारी हो, सारी की सारी बीमारियां जो है जीवन से मुक्त हो सकते हैं। तो जिनकी सिंह राशि है उनको सबसे पहले सूर्य मंत्र का सुबह उठते ही जाप करना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य का जो मंत्र है यजुर्वेदी मंत्र है, ओम आकृष्णेन रस्सा वर्तमानो निवेश मृत्युंचे यातानि भुवनानि पश्यन्न इति सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और सूर्य को सुबह जो है 8 बजे से पहले सूर्य उदय के 2 घंटे तक जो है जल दे देना चाहिए। जब तक कि सूर्य पूर्व दिशा में रहे तब तक जल देना चाहिए, जब दक्षिण में आ जाए तो जल जो है वो पितरों को जाएगा। तो हम बात कर रहे थे इस राशि के बारे में। इस सिंह राशि का जो है साल है 2022 काफी उत्तम रहने वाला है, शादी के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई चुनाव लड़ रहे हैं इस वर्ष में 2022 में जिनकी सिंह राशि है, तो आपकी दावे से कहता हूँ निश्चित जीत होगी, क्योंकि 10वें घर का जो राहु है आपको विजय श्री जरूर प्रदान करेगा। संजय जी ने सिंह राशि वालों के नेताओं को भी खुश कर दिया और कुंवारों को भी खुश कर दिया कि आपकी शादी भी हो जाएगी, जो लोग कुंवारे हैं और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जीत पक्की है, दोनों खुश। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर की तरफ रुख कर लेते हैं, और हम चाहेंगे कि नवे जी बताएं कि 5 नंबर क्या कह रहे हैं। 5 अंक, 5 नंबर के बारे में हम बोलना चाहेंगे कि 5 नंबर के लिए भी ये ईयर सपोर्टिव है, लेकिन थोड़ा सा न्यूट्रल है। 5 नंबर के बारे में, जैसे 5 नंबर के कुछ ट्रेट्स जैसे होते हैं, उन्हें हर चीज़ बहुत जल्दी 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 चाहिए होती है। लाइक अगर उन्हें धन भी कमाना है तो उन्हें बहुत हर चीज़ बहुत जल्दबाजी में करने की जो उनकी आदत है उसको वो थोड़ा सा चेंज करें। हर चीज़ को थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़ा सा एनालिसिस करके आप जितना ज़्यादा करेंगे, हरे रंग का प्रयोग जितना ज़्यादा आप अपने जीवन में करेंगे, हरी सब्जियां खाइए, हरे फल खाइए, आप डिटॉक्स जूसेस पी सकते हैं, आप माँ दुर्गा की जितनी ज़्यादा आराधना कर सकते हैं, बुधवार को आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, आप पक्षियों को जो है बाजरा दे सकते हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 5 नंबर को सोने की बहुत कम आदत होती है, उनको साउंड स्लीप लेना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है कि कई बार वो एक हेडेक सा जो है डेवलप कर लेते हैं। दिल के बहुत साफ होते हैं, उनके गोल्स पहले ही मैनिफेस्ट नहीं होते पर वो सबको बता देते हैं। तो 5 नंबर को इस हैबिट को थोड़ा सा अपना इम्प्रूव करना चाहिए, अदरवाइज बैलेंस का नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है और ये ईयर आपके लिए काफी अच्छा जाना। बिल्कुल डालमिया जी, आपके कार्ड क्या कह रहे हैं अब? और अगर जैसे हमने 5 नंबर की बात की यहाँ पर, तो थोड़ी सी हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहे हैं एक दो राशि को छोड़कर, आपके कार्ड क्या कह रहे हैं, हेल्थ के हिसाब से कैसा रहने वाला है? हेल्थ के लिए ये ठीक रहेगा, बुधवार को जैसे कि दान करना चाहिए, बुद्धि का कार्ड है, अपने ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, एग्जॉस्टेड नहीं होना है, पॉसिबिलिटीज का काम है, आपके जो 2021 में काम नहीं बने वो 2022 में बनेंगे, तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा है। तो मैं यही सजेशन दूंगी, हेल्थ का ध्यान रखिए, योगा, मेडिटेशन, ग्रीन ग्रास के ऊपर अगर आप नंगे पैर चलते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि माँ जो है, ये साल माँ का साल है, तो जितना हम अपने मदर अर्थ के साथ अपने आप को कनेक्ट करके चलेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे अपनी, उतना बहुत अच्छा रहेगा।